अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस तरह का देखो ट्रैवल बैग बनाएंगे, शॉपिंग बैग या ट्रैवल बैग, ये हर चीज़ में इसका यूज़ होगा। अगर हम बाज़ार जाते हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो, ये काफ़ी अच्छा स्पेस है। ये देखें इस तरह से, ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन है। तो आज हम इस तरह का बैग बनाएंगे और इसे बनाना काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले देखो, इस तरह से मैंने पीस रखी हूँ। ये मेरा मेन फैब्रिक है, ये मैंने लाइनिंग वाला पीस ली है। इसका मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 14 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 13 इंच। इस तरह से ये मैंने ली हूँ। ये देखो, ये मेरा लेस है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे इस तरह से लगा दूंगी। और इसके उससे पहले ये देखो, मैंने स्ट्रैप रेडी की हूँ। ये मैंने 3 इंच लेकर 2 फोल्ड करके स्टिचिंग कर दी हूँ। देखो, इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 17 इंच। इसे सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से 14.5, 7 इंच और यहाँ से 2.5, यहाँ से 2.5 पे इस तरह से इसे रखेंगे और यहाँ पे इसे स्टिच करेंगे। उसके बाद इसे इस तरह से रखकर ये ऊपर से उसके स्टिच करेंगे और उसी तरह से यहाँ पे निशान लगाकर इस तरह पे यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने इस तरह से स्टिचिंग कर ली है। अब ये जो हमारा है, ये लाइनिंग वाला पीस है, इसे हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे स्टिच करेंगे। इसे इस तरह से रखकर यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से करेंगे और इसे इस तरह से करने के बाद यहाँ पे एक स्टिच करेंगे और यहाँ पर एक स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ पे इस तरह से रखकर, और यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे इस तरह से, और एक निशान यहाँ पे इस तरह से लगा लेंगे। ये देखो, ये हमारे 2 निशान हैं इस तरह से। ये देखो, 2 पीस मैंने रेडी किए हैं। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 9 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 12 इंच। ये दोनों का मेजरमेंट सेम है। ये देखो, इस तरह से ये मैं लाइनिंग वाला पीस लेकर इसकी स्टिचिंग की हूँ। इसे भी इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से निशान लगाएंगे। इसे भी इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे। अब ये जो निशान है, इसे यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे, और ये जो निशान है, इसे यहाँ पे रखकर इसकी स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने दोनों स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से रखकर यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे और ये वाले हिस्से को यहाँ से सेम जिस तरह से ये स्टिचिंग करेंगे, इसे भी यहाँ से यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे और फिर इसे लेकर इस तरह से यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, ये हमने इस तरह से स्टिच करनी है। अब ये इसे 1 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हम इसके बराबर जिप लेंगे। इसका मैं मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ। ये देखें, इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 12 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 5 इंच। इसी मेजरमेंट से ये भी इसी तरह से। अब ये हमारा जो जिप है, इसे हम सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और ये लाइनिंग वाली जो पीस है, इसे ऊपर रखकर स्टिच करेंगे। फिर इसे बैक करके बैठने वाली सिलाई करने के बाद जिस तरह से ये लगाए हैं, ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखकर, ये सीधे पे सीधा रखेंगे, एक लाइनिंग वाला पीस नीचे रखकर यहाँ पे स्टिच करके फिर टॉप स्टिच करके ये सबसे पहले हम रेडी करते हैं। इस तरह से हम सिल लेंगे। ये देखो, इस तरह से हमारा रेशा नहीं निकलता तो ज़िप परफेक्ट रहता है। अब हम रनर इंसर्ट करेंगे।
ये देखो ये जिप हमने इंसर्ट कर लिए हैं पीसेस की, हम इस तरह से कटिंग करेंगे। ये हमारा रेडी हो गया है। अब ये जो हमारा पीस है इस तरह से स्ट्रैप अंदर करके और इसे अंदर रखकर यहाँ पे हम पूरी स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर लिए हैं, अब इसे हम सीधा करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा बैग बन के रेडी हुआ है। ये देखो ऊपर से इस तरह से और ये इस तरह से हमारा बैग है। ये हमारा बेस है, ये देखो इस तरह से। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया।